प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे देश में चुनाव का माहौल है, तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर होस्ट शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि ओवैसी को भी आड़े हाथों लेंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो लाते रहें। जय हिंद जय भारत। एक मुसलमान बेटी मस्जिद नहीं जा सकती, लेकिन देखो ईद के दिन ममता बनर्जी चली गई और उसने भड़काऊ भाषण भी दे डाला, लेकिन मुसलमान बेटी को इमाम साहब ने मस्जिद नहीं बुलाया, क्योंकि इमाम साहब को लगा कि नाज़िया से तो चवन्नी का फायदा नहीं होने वाला है, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, वो आएगी तो बहुत सारा फायदा होगा, इसलिए नाज़िया को बुला करके क्या फायदा है। नाज़िया तो इकरा पे बात करेगी, वो तो एडुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करेगी, उससे तो भड़केगा नहीं मुसलमान, लेकिन श्रीमती ममता बनर्जी आएगी तो वो हिंदुओं को मलाइन करेंगी, वो भगवान राम को मलाइन करेंगी, वो बीजेपी को मलाइन करेंगी, तो मुसलमान में जोश आएगा, फिर से नासिर खान पैदा होगा, फिर से वो सुजन जॉर्डन का बलात्कार करेगा, फिर से आफ्ताब पैदा होगा, फिर से वो श्रद्धा की बोटियां कर करके फ्रिज में रखेगा। तो नाज़िया से तो मुसलमानों को फायदा नहीं है, नाज़िया तो भड़काऊ भाषण नहीं देगी, नाज़िया तो कहेगी कि मुसलमानों एडुकेट होने के लिए अल कुरान ने पहला वर्ड इकरा का दे दिया था, पढ़ लो, लेकिन पढ़ेंगे नहीं, 15,000 से 1.5 लाख का मोबाइल ठीक खरीद लेंगे और उस मोबाइल से असदुद्दीन अवैसी के भड़काऊ भाषण का रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे, लेकिन फीस देने के लिए, स्कूल की फीस देने के लिए बात करो तो नानी मरने लगती है मुसलमानों की, मैं तो सरकार की वजह से जाहिल रह गया। अरे सरकार ने तुमको कब बोला था 1.5 लाख का तुम आईफोन खरीद सकते हो, 15,000 का तुम एंड्रॉइड फोन खरीद सकते हो, पर तुम अपनी बेटियों को, अपने बेटों को तुम पढ़ा नहीं सकते हो, क्यों नहीं पढ़ा सकते हो। शादियों में करोड़ों रुपए खर्च मुसलमान आराम से करता है, पर अपनी ही मस्जिद अगर टूटी भांगी हो तो उसको दुरुस्त कराने के लिए मुसलमानों के पॉकेट में पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है। जलसा जुलूस मिलाद उन नबी कराने के लिए करोड़ों रुपए लाखों रुपए मुसलमान खर्च करता है, पर अगर किसी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन होता है तो चंदे के डब्बे में 10 रुपए डालता है। गलत बोल रही हूँ शैला? शायरी मुशायरा कराने के लिए, शायरों को बुलाने के लिए बिजनेस क्लास का ट्रैवल करवाया जाता है, बड़ा बड़ा मुशायरा का इंतजाम होता है, दीवाने आम और दीवाने खास लगाया जाता है, पर जैसे ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद के बारे में बात आती है तो सब कंगाल हो जाते हैं, सब भिखारी हो जाते हैं, किसी के पॉकेट में पैसा नहीं होता है मस्जिद बनवाने के लिए। अब आप देखो कि भगवान राम की राम मंदिर अयोध्या में बनी, किसने बनाया, किसी के बाप ने बनाया या सरकार ने बनाया या मोदी जी ने बनवाया, बिल्कुल नहीं बनवाया है। मैं मोदी जी की भक्त हूं, लेकिन जो सत्य है वो बोलने से पीछे नहीं हटूंगी। मोदी जी ने राम मंदिर नहीं बनवाई है, या वहां जो हिंदुओं की वेटिकन जो स्टेट हुआ है, जो राम मंदिर का इतना भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वो भारत के सनातनियों ने बनवाया। तो भारत के मुसलमान मोहम्मद बिन अब्दुल्ला क्यों नहीं बनवा पा रहे, क्यों पीछे हट जा रहे हैं। अब आप देखो, मिलाद कराने के लिए मेरे और आप में एक सेशन हुआ था, आपने भी कहा था कि 3-3 लाख रुपए मिलाद पढ़ने के लिए आता है पाकिस्तान में, ठीक है, हमारे यहाँ भी 50,000 51,000 1,00,000 1,000 रुपए मिलाद पढ़ने का पैसा लेता है, ठीक है, उसके बाद फिर जो बत्तियां लगती हैं, फिर दीवाने आम जो होता है, उसके बाद खिचड़ा और मलीदा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शरबत जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबको मिला करके एक मिलादुन नबी में 2-2.5 लाख रुपए खर्च होता है। पर हमारे इस देश की गरीब बेटियां बैठी हुई हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है जहेज की वजह से। मुसलमान एक तरफ खुतबे में कहता है कि जहेज लानत है, मलामत है, नदामत है, नजामत है, लेकिन हमारे देश में बेटियां बैठी हुई हैं, 40-40 साल की हो रही हैं। पहला रीजन कि मुसलमान लौंडे हिंदुओं से शादी करते हैं, उसी को पसंद करते हैं। दूसरा रीजन कि जहेज नहीं है देने के लिए, मुसलमान बेटियों के माँ बाप के पास जहेज है नहीं तो देंगे कहां से, और फिर मुसलमान लौंडा करेगा कैसे शादी बिना जहेज के। अब मेरी बात आती है कि भैया ऐसे तो सरकार को बड़ा गाली देते हो, मोदी सरकार बहुत सांप्रदायिक है, मोदी सरकार हिंदुओं की सरकार है,
परियोजनाओं में सबसे ज्यादा लाभ भिखारी की तरह हाथ फैला करके कटोरा लेकर के तुम सबसे ज्यादा उठाते हो मुसलमान। डेटा निकाल करके शाला आप देख लीजिए कि सब्सिडी सबसे ज्यादा मुसलमानों ने भारत में उठाया है। तो इस चीज को भी तो सोचना पड़ेगा ना, इस चीज को भी। यहाँ पे असदुद्दीन अवैसी के बयान जब हमारे नेशनल मीडिया पे चलते हैं, वो ये कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा बढ़ गया और मुसलमानों को जी बहुत ज्यादा जुल्म का सामना करना पड़ा है भारत के अंदर, और ये जुल्म के लिए अब हम सबको जी उठना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। और असदुद्दीन अवैसी को पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा मुस्लिम लीडर माना जा रहा है इस वक्त। अच्छा ठीक है, मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे करती हूँ। पिछले 10 साल आप जियोपॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव है, पिछले 10 साल में एक ऐसी स्पीच बताइए जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने मुसलमानों को मलाइन किया हो, मुसलमानों को बेइज्जत किया हो, या मुसलमानों के खिलाफ अपनी स्पीच में बात कही हो। आपने सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं और आप या मैं किसी भी चैनल पर जब बैठती हूँ, क्या मैं मुसलमानों को खत्म करने की बात कहती हूँ या मुसलमानों को शिक्षित होने की बात कहती हूँ? मुसलमानों को बुरा इसलिए लगता है क्योंकि मोदी जी भी यही कहते हैं कि इकरा मान लो, ह्यूमैनिटी मान लो, इंसान बन जाओ, शिक्षित हो जाओ। मेरे लिए भी बुरा मुसलमान मर्दों को, लौंडों को, लखंदरों को, लुंगी वालों को, ठरके आजम को, जाहिले आजम को इसलिए लगता है क्योंकि नाजिया ये चाहती है कि कुरान का पहला वर्ड इकरा मान लो। अब वो मानेगा नहीं। अब मुझे एक बात बताएं शैला कि क्या भड़काऊ भाषण से मुसलमानों का पेट भर जाता है? नहीं भर सकता। लेकिन पढ़ेगा मुसलमान तो बढ़ेगा मुसलमान, पढ़ेगा मुसलमान तो कुछ बनेगा मुसलमान, पढ़ेगा मुसलमान तो कुछ कर पाएगा मुसलमान, पढ़ेगा मुसलमान तो अपना चेयर अपने से चूज करेगा मुसलमान, पढ़ेगी मुसलमान बेटी तो बनेगी मुसलमान बेटी, पढ़ेगी मुसलमान बेटी तो कुछ करेगी मुसलमान बेटी, पढ़ेगी मुसलमान बेटी तो पंख लगाकर पीठ पर उड़ पाएगी मुसलमान बेटी, अपने हक के लिए मुसलमान बेटी आवाज उठा पाएगी, अपने हक, अपनी इज्जत, अपने आबरू के लिए अपनी जंग खुद लड़ पाएगी मुसलमान बेटी। तो मैं तो ये कह रही हूँ भाई, और मोदी जी भी यही कह रहे हैं, तो बुरा क्यों लग रहा है लुंगी छापों को जो अंदर चड्डी भी नहीं पहनता, उनको बुरा क्यों लग रहा है? कितना आराम का कपड़ा है, लुंगी पहन लो, उठा लो, नाच लो नंगा और बलात्कार भी कर लो और कह दो कि मुसलमानों के खिलाफ है भारत। अरे अवैसी, तुम रजाकार के फौज के आखिरी चश्मो चिराग हो, जैसे राहुल गांधी गांधी परिवार का आखिरी चश्मो चिराग है। अवैसी का भड़काओ भाषण, यही भड़काओ भाषण क्या आपके पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। इमरान खान की तरह कैद बा मुशक्कत सलाखों के नीचे करवा देगी। अगर अवैसी के कलेजे में ताकत है, यही भड़काओ भाषण अरब में जाकर के दो, यही भड़काओ भाषण पाकिस्तान में जाकर के दो, यही भड़काओ भाषण ईरान में जाकर के दो अवैसी, यही भड़काओ भाषण। मैं अवैसी को ललकार रही हूँ कि यही भड़काओ भाषण जो तुम यहाँ दे रहे हो, जो जो अरब में फलस्तीन और हमास के समर्थन में खड़े होकर के नारा लगाए थे और मोहम्मद बिन सलमान ने उनको जेल बंदी कराया है, उसके लिए जाकर के अरब में देकर के दिखाओ। मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ तुम अरब में भाषण देकर के दिखाओ। औकात नहीं है अवैसी की, औकात नहीं है, 10 पैसा की औकात नहीं है अवैसी की कि अरब में हज करने जाता है ना, मुंह झुका करके जाता है और टट्टू की तरह मुंह झुका करके वापस आता है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान से ये नहीं कहता है कि हम भी चिल्ला रहे हैं गधेड़े की तरह फलस्तीन और हमास के समर्थन में। अरे भैया, शेरवानी पहन करके तुम फलस्तीन चले क्यों नहीं जाते हो? 2-4 बलात्कार अवैसी तुम भी कर लो, अल्लाहू अकबर के नारे पर और नारे तकबीर के नारे पर तुम भी कर लो, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। ऐसे भी घर में 2-2, 3-3 बीवी है तुम्हारी। तो मुसलमान, ये जो मुसलमानों का राग है ना, ये मुसलमान मर्दों का राग है कि भाई यहाँ यहाँ बहुत सांप्रदायिकता है, यहाँ हिंदुओं को बहुत, हिंदू जो है वो मुसलमानों को बहुत परेशान कर रहे हैं। कहाँ परेशान कर रहे हैं भैया? अभी नावेद और साजिद ने 2 मुसलमान बच्चों की बोटियां कर डाली रमजान में दारू पी करके। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि वो 2 मासूम बच्चे जो 1 9 साल के थे और 1 6 साल के थे, उन्होंने आपके प्रॉफिट को गाली दी, उन्होंने आपके आपके कलमे को गाली दी, उन्होंने आपके नमाज को बंद कराने की कोशिश की, उन्होंने उन्होंने आपके इस्लाम को गाली दी, क्या दिया?
वो 9 साल का बच्चा और 6 साल का बच्चा ऐसा क्या कर डाला कि तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाज़िया खान जी ना सिर्फ ओवैसी पे भड़की, ना सिर्फ ओवैसी को ललकारा, बल्कि भारत में रह रहे जो लुंगी छापे हैं उनको भी आड़े हाथों लिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको काफी दमदार लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।